स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्री स्कूल आर्टी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसको डराइव करें बाय यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार फर्मेट प्रिंसिपल हमें कहता क्या है। फर्मेट प्रिंसिपल ऑप्टिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसको सबसे पहले दिया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर द फर्मेट ने 1658 में। और फर्मेट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक रे ऑफ लाइट है और उस रे ऑफ लाइट को किसी मीडियम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना है, तो रे ऑफ लाइट वो पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग उसे मिनिमम टाइम लगेगा। मींस लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम। इसलिए हम फर्मेट प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास किसी मीडियम के अंदर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और लाइट को आप ए टू बी ट्रेवल करना है, तो लाइट के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होंगे टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल होंगे फॉर रे ऑफ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इस पाथ के अलोंग भी जा सकती है रे ऑफ लाइट, इस पाथ के अलोंग भी जा सकती है रे ऑफ लाइट, और इस पाथ के अलोंग भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बट लाइट रे वो पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग उसे मिनिमम टाइम लगेगा। द रे ऑफ लाइट विल प्रेफर दैट पाथ अलोंग विच द टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इज लीस्ट। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो ये वाला पाथ चूज करती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, और इस पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है रे ऑफ लाइट ने वो एक्स है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टी टाइम लगा है। तो अगर टाइम को लीस्ट करना है, हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करना होगा। इसी कंडीशन को यूज करते हुए आज हम ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। फर्मेट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द पाथ दैट रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम एज कंपेयर टू अदर नियर बाय पाथ। फर्मेट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है इन अ मीडियम, तो लाइट हमेशा वो पाथ चूज करती है जिस पाथ के अलोंग उसे लीस्ट टाइम लगता है एज कंपेयर टू अदर नियर बाय पाथ। जैसे यहाँ पर लाइट रे को ए टू बी ट्रेवल करना था, तो उसके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल थे टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, बट लाइट रे वो पाथ चूज करेगी टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जिस पाथ के अलोंग उसे मिनिमम टाइम या फिर लीस्ट टाइम लगता है। इसलिए हम फॉर्मेट प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, लाइट रे को पाथ इस पाथ के अलोंग, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग जाने में, इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसे कम टाइम लगा। तो अब हमें कंडीशन क्या लगानी होगी, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम मान लें कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो इस केस में अगर हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स को जीरो के बराबर पुट करना होगा। मीन्स हमें यूज करनी होगी कंडीशन ऑफ मिनिमा, और इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स स्नेल्स लॉ फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आइए ड्राइव करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स स्नेल्स लॉ फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल। तो आपको इसमें डायग्राम कौन सा बनाना पड़ेगा, आइए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वी हैव टू मेक अ डायग्राम शोइंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इंटरफेस कंसिडर करना होगा दैट विल सेपरेट टू मीडिया। तो हमने ऊपर ले लिया मीडियम वन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और नीचे ले लिया कोई डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
म्यू टू, तो ये ऊपर रेलर मीडियम है आप ये मान कह लो, और नीचे है डेंसर मीडियम। रेलर मीडियम का सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर, और डेंसर मीडियम में आप वाटर, डायमंड, कुछ भी ग्लास, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप इस इंटरफेस के ऊपर जो इंटरफेस दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, तो वहां पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करते हैं। तो ये आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दी ए, और हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है पी। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल जो है वो डॉटेड लाइन में ही हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब होगा क्या, क्योंकि लाइट जो है वो रेलर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसकी स्पीड कम होगी और ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। उसको ऐसे जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए था, बट ये ऐसा पाथ ना फॉलो करते हुए ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इस पॉइंट को हम बी देते हैं। तो लाइट रे जो है वो ए टू बी ट्रेवल कर रही है, पहले वो एपी डिस्टेंस मीडियम वन में कवर कर रही है, फिर पीबी डिस्टेंस जो है वो मीडियम टू में कवर कर रही है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे स्नेल्स लॉ। इन फिगर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन स्पीड वी वन एंड देन इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू स्पीड इक्वल टू वी टू थ्रू पॉइंट पी। यहाँ पर फिगर में एक लाइट जो है वो ट्रेवल हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए जो है वो मीडियम वन के अंदर है, पॉइंट बी जो है वो मीडियम टू के अंदर है। एपी डिस्टेंस उसने मीडियम वन में कवर किया है, और एपी डिस्टेंस उसने वी वन स्पीड से कवर किया है। हमने मान लिया कि जो लाइट की स्पीड है इन मीडियम वन वो वी वन है, और मीडियम टू के अंदर जो स्पीड है रे ऑफ लाइट की वो वी टू है, तो पी बी डिस्टेंस जो है वो स्पीड वी टू के साथ कवर किया जाएगा बाय रे ऑफ लाइट, और ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी जो है एक्स वाई इंटरफेस के ऊपर है जो इन दोनों मीडिया को सेपरेट कर रहा है। टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू पी इज गिवन बाय, अब हम फाइंड करेंगे कि रे ऑफ लाइट को ए से पी तक जाने में कितना समय लगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री का सहारा लेना होगा, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे ई पॉइंट, और इसी प्रकार से बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे हम एफ पॉइंट, और ई और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेंगे, ई और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेंगे एल लेट कर लेंगे, और ये जो ई और पी के बीच का डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेंगे एक्स। तो हमारे पास पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, एल माइनस एक्स बचेगा, तो ये तो ऑब्वियस है। और ए ई की जो हाइट है उसे हम मान लेंगे एच वन, और बी एफ की जो हाइट है उसे हम मान लेंगे एच टू। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ए ई पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसके ऊपर आपको रूट लगाना होगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा एपी दैट विल बी एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया है। एच वन यहाँ परपेंडिकुलर था और ये बेस था एक्स, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइम को हम मान लेंगे टी वन। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है एपी, और स्पीड कितनी है एपी, किसके अंदर है मीडियम वन के अंदर है, और मीडियम वन के अंदर स्पीड कितनी मानी है हमने वी वन मानी है, तो वी वन लिख देंगे यहाँ पर, और एपी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन यू विल गेट टी वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी वन। तो स्टूडेंट्स इसको मैं देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने टाइम निकाल लिया था जो रे ऑफ लाइट ने लिया था इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी, अब हम वो टाइम निकालेंगे जो रे ऑफ लाइट लेगी इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट बी, और पी वी डिस्टेंस जो है रे ऑफ लाइट मीडियम टू के अंदर ट्रेवल कर रही है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे
टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पी टू बी इज गिवन बाय, इस टाइम को हम टी टू से डिनोट करेंगे, तो ये टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड जो है रे ऑफ लाइट की मीडियम टू के अंदर वो वी टू है, तो आप यहाँ पर वी टू लिखेंगे। और पी बी आप कैसे निकालेंगे, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी बी एफ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, पी बी है, तो पी बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वेयर, बेस है पी एफ प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर जो कि है बी एफ। तो यहां से पी बी की जो वैल्यू निकल के आएगी पी बी स्क्वेयर की, पी एफ कितना है आपके पास एल माइनस एक्स स्क्वेयर, और बी एफ कितना है आपका एस टू स्क्वेयर, तो पी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ एस टू स्क्वेयर, पहले लिख रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल माइनस एक्स स्क्वेयर। तो पी बी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास एस टू स्क्वेयर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वेयर, तो पी बी की यही वैल्यू आप यहां पर यूज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एस टू स्क्वेयर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा वी टू। तो हमने ए से पी तक का टाइम भी निकाल लिया जिसको हमने पी वन से डिनोट किया था, और हमने पी टू बी तक का टाइम भी निकाल लिया जिसको हमने टी टू से डिनोट किया है। अब टोटल टाइम कितना लगा रे ऑफ लाइट को इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट विल बी द सम ऑफ टी वन एंड टी टू। तो आप लाइन लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, टोटल टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, और ए टू बी जाने में कितना टोटल टाइम लगेगा, that will be equal to time taken by ray of light in traveling from A to P plus time taken by ray of light in traveling from P to B, that is T1 plus T2। यहाँ पर आपको simply क्या करना है, T1, T2 की value substitute करनी है। T1 की value हमने first equation में निकाली थी जो कि थी square root of H1 square plus X square by V1, plus T2 की value हमने second equation में find की है, that is square root of S2 square plus L minus X square by V2। तो स्टूडेंट्स इसको मैं दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसके आगे के स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने टोटल टाइम निकाल लिया था जो रे ऑफ लाइट ने लिया था इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो μ1 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, μ1 विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इस मीडियम के अंदर वो V1 है। तो यहां से अगर हम V1 की वैल्यू निकालें वो आ जाएगी हमारे पास C बाय μ1, जिसको हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली जो आपके पास V2 आएगा वो क्या आएगा, C बाय म्यू टू आएगा, इसको हम देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब हम बी वन बी टू की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग फोर एंड फाइव इन थ्री, आपको क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। टी विल बी इक्वल टू एच वन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी बाय, सी बाय कितना आ जाएगा म्यू वन, और साथ में प्लस एस टू स्क्वेयर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या आ जाएगा सी बाय म्यू टू। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी वी वन वी टू की फ्रॉम फोर एंड फाइव इन इक्वेशन नंबर थ्री। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस म्यू वन को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो मैं इस म्यू वन को यहां लिख देता हूं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस म्यू टू को मैं आगे लिख देता हूं यहां पर। और स्टूडेंट्स यहां से जो सी कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लेता हूं वन बाय सी, सो टी विल बी इक्वल टू वन बाय सी म्यू वन एच वन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस म्यू टू स्क्वेयर रूट ऑफ एस टू स्क्वेयर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम कर चुके हैं, इसके आगे का पार्ट मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक जो है वो ड्राइव कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये इस पाथ के अलोंग रे ऑफ लाइट को कम समय लगा है इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वाया पॉइंट पी, तो इस केस में अगर हमें टाइम को मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन में जो टाइम मिला है इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, हमें कंडीशन ऑफ मिनिमा को यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर आपको
पता है कि इस रे ऑफ लाइट ने ये वाला पाथ फॉलो किया है, तो इसमें जो टाइम लगा होगा वो मिनिमम टाइम लगा होगा, और मिनिमम टाइम की कंडीशन ये होगी कि आप टाइम के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो आपको डेरिवेटिव करना है इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ करना है। तो इधर आएगा dt by dx, c कांस्टेंट है 1 by c ऐसे ही रहेगा, म्यू वन कांस्टेंट है म्यू वन ऐसे ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो h1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो स्टूडेंट्स प्लस, अब म्यू टू कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी 1 by 2 square root of h2 square plus l minus x square। उसके बाद h2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब आपको इस टर्म का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, वो किसके बराबर होगा 2 into l minus x। उसके बाद l minus x का करेंगे, l तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, minus x तो minus x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा minus 1। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 आपको पुट करना होगा। तो स्टूडेंट्स c जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है ये वो देखते हैं, म्यू वन एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस म्यू टू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और माइनस वाले टर्म को आप उधर ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा म्यू वन ब्रैकेट में एक्स अपॉन एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू म्यू टू बड़ी ब्रैकेट में एल माइनस एक्स डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ एस टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद एक स्टेप और बचा है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं फाइनल सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे, आइए देखते हैं आगे आपको क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये एंगल आई है तो अल्टरनेट एंगल उसका ये हो जाएगा, तो ये भी आई हो जाएगा, और अगर ये एंगल आर है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के बराबर। तो अगर आप ए ई पी ट्रायंगल में साइन आई निकालें तो आपको क्या मिलेगा, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है इस ट्रायंगल में, अगर ये एंगल आई है तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर होगा एक्स और हाइपोटेन्यूज आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं साइन आई इन दिस इक्वेशन, तो आप लिखेंगे म्यू वन साइन आई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ए ई पी में अगर आप साइन आई की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आती है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एच वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसकी जगह हमने साइन आई पुट कर दिया, इस इक्वल टू म्यू टू। आइए देखते हैं ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ पी की बात करें और अगर आप इस ट्रायंगल में साइन ऑफ आर निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, ये वो देखते हैं, साइन आर इज अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल बी एफ पी में ये एंगल आर है तो बेस हो गया ये, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी एफ। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स, क्योंकि पी एफ की वैल्यू एल माइनस एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका पी बी, और पी बी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ एस टू स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन आर इन दिस इक्वेशन, तो इसको आप लिख देंगे साइन आर। तो स्टूडेंट्स यही तो होता है आपका स्नेल्स लॉ, विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने फॉर्मेट प्रिंसिपल से, मींस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से प्रूफ कर दिया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। आपने कंडीशन ऑफ लीस्ट टाइम को यूज करके स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया है, मींस फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट प्रिंसिपल को यूज करके आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया है। तो स्टूडेंट्स
आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।